नमस्कार दोस्तों। तो पिछले श्लोक में हमने सुना कि निहत्य अर्जुन शस्त्रधारी धृतराष्ट्र पुत्रों के हाथों मरने में अपना कल्याण समझ रहे थे, और ये सारी बातें संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं। संजय वाच एव मुक्त्वा अर्जुना संखे रथोप्यस्य उपाविशत विसृज्य सरम चापम शोक संविग्न मानसा। अर्थात संजय ने कहा कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपने धनुष तथा बाण को एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के पिछले हिस्से के आसन पर जाकर बैठ गया। तो दोस्तों ये था पहला अध्याय जिसे कहते हैं अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में हमने अर्जुन के मनस्थिति के बारे में देखा, अनेक प्रश्न उसके मन में उत्पन्न हुए थे और इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर आगे के अध्यायों में हमको मिलेंगे। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें।